क्या हुआ? ओम स्वरूप मेरे पिता है। सैडी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों 125 साल बाद के भविष्य से यहाँ आए। अगर डॉक्टर ओम स्वरूप सचमुच मेरे पिता है तो उन्हें और कम से कम 100 साल जिंदा रहना होगा, क्योंकि मेरा जन्म आज से 100 साल के बाद ही हुआ था। और दूसरा सवाल ये कि 125 साल की उम्र में किसी पुरुष को बच्चा हो सकता है? ऐसा भी तो मुमकिन है कैप्टन व्योम कि आपका जन्म इसी समय में हुआ हो और किसी टाइम मशीन के जरिए आपका बचपन हमारे समय में गुजरा हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा बचपन लद्दाख के थिक से मठ में गुजरा था। आज से 105 साल के बाद जब मैं 5 साल का था मुझे वहाँ प्रवेश मिला था। मेरे गुरु जी भी मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आता हीरो। हाँ, मेरे भी। इतना तो तय है कैप्टन व्योम कि डॉक्टर ओम स्वरूप ही आपके पिता है, और अगर ऐसा है तो आपकी माँ भी यहीं कहीं इसी समय में होगी। अरे मिल गए रे सैडी भाई, मिल गए। जय ताली। कौन मिल गए? तेरी माँ रे, अपनी खोपड़ी में एकदम फिट बैठ गई है। अरे वो तो तेरे बाप के ऑफिस में वो लड़की बैठे लेती ना, वो तेरी माँ है। तुम्हें कैसे पता? अरे अपन को सब मालूम पड़ता है बाप। क्या वो जो तेरे बाप को इस नजर से देख लेती कि अपन उधर पे समझ गया कि उन दोनों का मामला खुल गया। पिता समान जी, शक तो मुझे तभी हो गया था जब तुमने मेरी कंघी से उनका बाल छुड़ाया था। मैंने आईने में सब कुछ देख लिया था, फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया। तुम्हारे पिताजी गवर्नर के घर प्राइम मिनिस्टर को मिलने गए हैं, बस आते ही होंगे। हीरो के बाप को लेके आते। कितनी अजीब बात है, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक का बेटा भविष्य काल से इस काल में उन्हें मिलने आया है, और यहाँ तो ये हाल है कि मेरी उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। नैना जी। क्यों, मेरी उम्र की लड़की को माँ कहने में शर्म आती है? नैना जी, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता। उन्होंने तुम्हारा जिक्र भी किया था मुझसे। मेरा? तुमने उनकी जान बचाई थी, उन्होंने तुम्हें उड़ते हुए भी देखा था। हाँ, देखा तो था। उस वक्त वो जानते नहीं थे कि तुम हमारे ही बेटे हो। अब जब उनको पता चलेगा तो कितने खुश होंगे वो। देखिए, दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता। बोलो बेटे। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। क्या? जी, डॉक्टर ओम स्वरूप जरूर मेरे पिता है, लेकिन आप मेरी माँ नहीं है। क्यों नहीं? मेरी माँ मानव नहीं है। मानव नहीं? मेरी माँ पराजीव है, पृथ्वी की नहीं। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है नैना जी, और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सचमुच मुझे अपना संतान मान रही है, जो मैं नहीं हूँ। पर एक माँ का दिल कहता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। नैना जी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि मैं आपका बेटा नहीं। नैना जी। डॉक्टर ओम स्वरूप, क्या ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? जी हाँ, एक ऐसा पराजी जो पृथ्वी पर पैदा नहीं। पृथ्वी पर पैदा नहीं तो और कहाँ पैदा हुआ? किसी और सूर्यमंडल के किसी और ग्रह। तो आपके कहने के मुताबिक ये पराजीव 1 साल पूरा होने से पहले ही पृथ्वी पर हमला कर देंगे? जी हाँ, हमें बस ये तय करना है कि इतने कम समय में उनका मुकाबला कैसे।
फील्ड मार्शल जगजीत सिंह, आपको क्या लगता है इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? सर, डॉक्टर ओम स्वरूप ने जो सबूत दिए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हमें हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स रेड अलर्ट पर फौरन तैनात कर देना चाहिए। सुरक्षा मंत्री जी, आपकी क्या राय है? अब क्या है कि हम आप लोग के जैसा शहर में तो पढ़े नहीं, हम तो भैया गांव देहात में पढ़े हैं। तो क्या कहा जाला कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या जो बड़ा बड़ा सबूत दे दिए, हमरे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से समझा दूं। जरूर। देखिए, पिछले साल हमने अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट दिया, एक विशेष सैटेलाइट जिसका नाम था इंसेट जीवन। इंसेट जीवन क्या डिफेंस से गया था? 89 करोड़ रुपया का बजट था। क्या कहा जाला 89 करोड़, ऐसे बोल सकते? कहिए। इसका काम था ग्रेविटेशनल वेव्स को खोज निकालना, जिन्हें आप गुरुत्वाकर्षण तरंग भी कह सकते हैं। पिछले हफ्ते इसी सैटेलाइट ने कुछ क्लिपिंग्स भेजी थी जिन्हें देखकर मैं तो हैरान हो गया। ये क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है हमारी पृथ्वी और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां आप देखेंगे सब नॉर्मल है। अब ये देखिए, उसके 2 दिन बाद की फोटो, इसमें आप देखेंगे कि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में एक भंवर सा बनते जा रहा है। और ये है परसों की फोटो, यहां आप देख रहे हैं कि उसी भंवर की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा। ऐसा आज तक सारे अंतरिक्ष में देखा नहीं गया और इसकी सिमेट्री देखकर साबित होता है कि यह नेचुरल नहीं है और ना ही किसी मानव को ग्रेविटी की इतनी पहचान है कि वो ऐसा कर सके। तो जाहिर है कि ये काम किसी ऐसे बुद्धिमान जीव का है जो किसी दूसरे सूर्यमंडल का ही हो सकता है। अब ये देखिए, ये है कल रात की फुटेज। इससे साफ पता चलता है कि ये गुब्बारा फूलते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगर ये फटेगा तो इसके शॉक वेव से ही सारे सागर उभर आएंगे, पोलर आइस पिघलने लगेगी, मुमकिन है कि सारी पृथ्वी डूब जाए। एक मिनट, क्या है कि जब ये खतरा सारी पृथ्वी को है तो हम लोग अकेले काहे ला बौरा रहे? देखिए प्रधानमंत्री महोदय, हमारी तो एक राय है कि हम इस खतरे के बारे में चीन को, जापान को, अमेरिका को और क्या कहा जाला रसिया को, सबको इसके बारे में बता देते हैं कि भैया देखो ऐसे ऐसे गुब्बारा फटने वाला है, उससे तुम निपटो। देखिए, हमारे डिफेंस के बजट में हम पड़ोसी देश से तो हमला कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, बाकी गुब्बारा फोड़ने का हमारा कोई बजट नहीं है। मिश्रा जी, आपको बजट की कमी महसूस नहीं होने देंगे हम, यह हमारा वादा है। मिनिस्टर साहेब, एड्रेस मी डिफेंस मिनिस्टर साहेब। डिफेंस मिनिस्टर साहेब, अगर हम इन पराजयों को खत्म करेंगे तो सारे विश्व में हमारे देश की इज्जत बढ़ेगी और हम सर उठा के कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो तो ठीक है, पर क्या कहा जाला कि ये होगा कैसे? इस सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल जगजीत सिंह। डॉक्टर ओम स्वरूप ने एक बिल्कुल ही नई तरह के हथियार की ब्लूप्रिंट। इस हथियार का नाम है जीगन। हमारा मानना है कि ये जीगन एक ऐसा हथियार बनेगा जो पृथ्वी को किसी भी तरह के पराजीवों से सुरक्षित रख सकता है। ये बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें हमारे मित्र देशों को भी। प्रधानमंत्री महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि जी गन बनाने के लिए रकम मंजूर करें। इसको बनाने में कितना पैसा खर्चा होगा? प्रधानमंत्री महोदय, 1,000 करोड़। और का कहा जाला इतना पैसा आएगा कहाँ से? अगर हमारे देश का हर नागरिक 10 रुपया भी दे तो इतनी रकम जमा हो जाएगी और इस रकम का इस्तेमाल उन्हीं की सुरक्षा के लिए तो किया जाने वाला है। हमें जी गन बनानी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। जी गन बनने में कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 महीने। अगर हम चाहे तो ये काम 1 महीने में भी हो सकता है। हमला नहीं हुआ, हम इतना बड़ा रकम खर्चा कर दें तो हम जनता का जवाब देंगे कि हम एक गुब्बारा फोड़ने का मशीन खरीदे हैं? जनता तो हमको बुड़बके न समझेगी। और अगर हमला हुआ तो सवाल पूछने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। आप ठीक कहते, लेकिन इस वक्त हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। थैंक यू डॉक्टर ओम स्वरूप, हम 2 दिन बाद फिर मिलेंगे, आपको दिल्ली आना पड़ेगा। थैंक यू जेंटलमैन। क्या बंदोबस्त है बाप साड़ी भाई, क्या बंदोबस्त है? अंदर जाएंगे तो बहुत फटके पड़ेंगे। तू उसकी फिक्र मत कर छोटू, हम लोग अंदर जाएंगे, चुपके से डॉक्टर ओम स्वरूप को बाहर लाएंगे। हंगामा हो जाएगा साइडी पे, हंगामा। इससे अच्छा हम यही रास्ते पे उसका वेट करते हैं।
जैसे ही वो बाहर निकलेगा ना, हम उससे मानवाली कर लेंगे। बोले तो कॉम्प्रो बोले तो समझाएंगे कि तू अपुन के हीरो का बाप है और तेरे को अपुन के हीरो के साथ जाना होगा। क्या वो देख निकला साड़ी भाई? लगा तुम्हें चोट लगी? कौन है आप लोग? ये साइडी भाई, बहुत बड़े भाई। और अपन छोड़ू, तेरे बेटे का जिगरी दोस्त और तेरे को अपन के साथ चलने का है क्या? ये लीजिए। ए शाने, अपन को चिंदी चोर समझे नहीं क्या? अपन को छोटा मोटा चोर नहीं है क्या? अच्छा, बहुत बड़े चोर हैं। गाड़ी में चाबी है, रख लीजिए, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर ओम स्वरूप, मुझे जानते हैं? हाँ, आज सवेरे जिस शख्स ने आपकी जान बचाई थी उसने हमें भेजा है। अच्छा, कहाँ है वो? आप चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए चलिए। अरे मेरे घर? डॉक्टर माथुर, आप चिंता की कोई बात नहीं। नैना इज परफेक्टली ऑल राइट नाउ। ना? उसे क्या हुआ? बीपी अचानक लो हो गया था, मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, वो रात तक नॉर्मल हो जाएंगी। थैंक यू। पर डॉक्टर साहब, मैं पिछले 5 सालों से आपको जानता हूँ, आपने मुझे बताया नहीं कि आपके जुड़वा भाई भी है। एक पल के लिए तो मैं भी धोखा खा गया था। जुड़वा भाई? हाँ, उन्होंने तो मुझे फोन किया था। नैना जी तो बेहोश थी। ठीक है, थैंक यू, मैं आपको फोन करता हूँ। समझा करना, पहले बाप बेटे का तो मिलन हो जान दे, अपने इधर पे मुंह मिटा करते। क्या क्या करते? कुछ नया चीज मिलाने के तरह टेक क्यों चला, समझ में नहीं आता। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है? नैना, नैना, नैना। अभी अभी आंख लगी। आप समझते क्या है अपने आपको? आपने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं हम जुड़वा भाई हो गए। देखिए, मैं भी देख सकता हूँ कि हम दोनों की शक्ल कुछ कुछ मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ शक्ल ही नहीं, डीएनए स्ट्रक्चर भी मिलता है। अच्छा? जी हाँ, और वो इसलिए कि आप मेरे पिता हैं। क्या? जी। ये क्या बकवास है? आप जरा थोड़ी देर के लिए गुस्सा थूक दीजिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब चलिए मेरे साथ। चलिए। मेरा नाम व्योम है, कैप्टन व्योम। सन 2123 के विश्व अंतरिक्ष सेना का एक अफसर हूं। मेरा काम है खतरनाक मुजरिमों को पकड़ना। हमारे समय का एक ऐसा ही मुजरिम टाइम मशीन चुराकर आपके समय में आया था, और उसी का पीछा करते हुए मैं भी यहां आया। आज सवेरे जिस शख्स को आपने गायब होते हुए देखा वो वही था विकार। विकार, कैप्टन व्योम ने तुम्हें भी खत्म कर दिया। अरे अब इतिहास को कौन बदलेगा विकार? अब कौन पूरा करेगा काला साया का ख्वाब? अरे मरने से पहले तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे मरने की खबर किस मुंह से काला साया को सुनाऊंगा? अरे अब मैं कैसे काला साया को अपना काला चेहरा दिखाऊं? छे, अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो तुम्हें हमारा चेहरा देखना पड़ेगा। रहम कीजिए मेरे मालिक, काला साया हम पर रहम कीजिए। रहम? वो क्या होता है? आपके इस मामूली साये से गलती हो गई, फिर ऐसा नहीं होगा, यकीन मानिए। काला साया के सारे साये कामयाब साये हैं, एक नाकामयाब साया काला साया का नहीं हो सकता। हम क्या करते? कैप्टन व्योम विकार के पीछे 125 साल पहले की दुनिया में चला गया, ये ना तो हम जानते थे और ना विकार। तुम्हें ऐसी सजा देता हूं कि तड़पते रहोगे अपनी छोटी सी जान। क्या समझते थे काला साया का सिर्फ एक ही साया मुमकिन है? अपने नए साये को हुक्म दीजिए काला साया।
साल इतिहास बदलने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसने हारी हुई बाजी जीतने का सही रास्ता बताया था। इतिहास को बदलना होगा। हुक्म दीजिए। साया, तुम्हें हमारे आयाम से निकलकर पृथ्वी के आयाम में जाना होगा। वहां जाकर सारी रियाया को काबू करना होगा। इतिहास तभी बदल पाएगा। समझिए, पृथ्वी का काम हो गया। ये काम इतना आसान होता तो कब का पूरा हो चुका होता साहेब। जल्दबाजी करोगे तो नुकसान खाओगे। और याद रहे, पृथ्वी पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तुमसे मुकाबला कर सकती है। उसका नाम है डॉक्टर ओम स्वरूप। आपके साहेब के साथ मुकाबला? ग्रेविटी को समझने वाला सिर्फ एक वही इंसान है, और वो खूब जानता है कि हम पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं। लेकिन आपने तो मुझे अभी हुक्म दिया कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो साहेब, इससे पहले कि तुम पृथ्वी पर हमला करो हमें अपनी परछाई को जगाना होगा। हुक्म काला साया। तुम पहले डॉक्टर ओम स्वरूप को मिटाओगे, उसके बाद साया पृथ्वी पर हमला करेगा। जो हुक्म काला साया। तुम जानती हो डॉक्टर ओम स्वरूप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? जी, परछाई, ये है पृथ्वी। ठीक है, तो वहीं मिलेंगे। कैप्टन व्योम, आपकी बात सुनकर मैं हैरान हूं। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। देखिए, सबूत के बिना मैं किसी का यकीन नहीं करता। आपको क्या सबूत चाहिए? अगर आप सचमुच भविष्य से आए हैं तो आने वाले एक साल में पृथ्वी पर सबसे बड़ी घटना क्या होने वाली है बताइए। तीसरा विश्व युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध? कौन कौन से देशों के बीच? ये युद्ध देशों के बीच नहीं होगा। पृथ्वी के सारे देश भारत के कहने पर एक होकर पराजयों से लड़ेंगे। पराजयों से? अंतरिक्ष से हमला होगा? जी। कब? 6 महीने में? 8 महीने में? आज तारीख क्या है? 4 अक्टूबर। हमला 1 हफ्ते में होगा। क्या? जी। साड़ी भाई, अपन का हीरो भी असली निकला रे। बाप क्या मिल गया उसको, छोड़ ही नहीं रहा है। लगता है पूरी अपनी लाइफ का स्टोरी उधर पे सुना डालेगा। पराजीव, तुम्हारी माँ पराजीव कैसे हो सकती है? मैं नैना को चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ। हालांकि आज तक मैंने उसे ये बात कही नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझे अच्छी तरह समझती है और पसंद भी करती है। यहाँ तक कि उसने एक पत्नी की तरह हुक्म ही चलाना शुरू कर दिया है। अभी तो सिर्फ शादी करना बाकी है। लेकिन वो मेरी माँ नहीं है। लेकिन क्यों? जब मैं नैना के सिवा किसी दूसरे लड़की को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ तो पराजय का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? नैना जी को दवा दे क्या था क्या? अरे आप जाग गई, आपकी दवाई खाने का टाइम हो गया। लो खा लो। डॉक्टर ओम स्वरूप कहाँ है? अरे आपकी आंखों को क्या हुआ? छोटू, 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 छोटू को क्या हुआ? कैप्टन व्योम, अब मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन हो गया है। आओ बेटे, अपने पिता के गले नहीं मिलोगे? बाबा, डॉक्टर ओम स्वरूप।